मोबाइल का बटन दबाने से मन की बात जानकार तक पहुंचती है, ईवीएम का बटन दबाने से क्षेत्र की बात सरकार तक पहुंचती है। देखिए कितनी अच्छी बात यहां पर लिखी गई है जहां पर आज हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं गोरखपुर में। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब आप देखेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम आज गोरखपुर से हम कर रहे हैं और क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री यहीं के हैं, गोरखपुर के, और पूर्वांचल का जो पूरा गणित है यहीं से सेट होगा। और पांचवें चरण का आज मतदान समाप्त भी हो चुका है, दो चरण का मतदान बचा हुआ है। गोरखपुर की जनता मेरे साथ मौजूद है, जरा जोरदार ताली एक बार बजा दीजिए। अलग अलग पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं, वो भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं उनसे आपका तारुफ करवा दूं, उनसे आपका परिचय करवा दूं। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी से प्रहलाद यादव जी हैं, प्रहलाद जी बहुत बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से हमारे साथ तौकीर आलम साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर जी। बीएसपी से हमारे साथ सुरेश भारती हैं, सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। मैं जनता के बीच जाऊं उससे पहले आप लोगों से शुरू करना चाहूंगा, किन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं आप? देखिए हमारा जो मुद्दा है वो विकास विकास विकास, और उसी मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी आधार पे भारतीय जनता पार्टी की जब 2017 में सरकार बनी थी और 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी थी, तो मोदी जी ने कहा था कि हमारी जो सरकार है वो नौजवान किसान। नहीं नहीं, वो सब बातें सही हैं, लेकिन विकास की बात बहुत कम हो रही है आजकल। आतंक की बात होती है, श्री राम भगवान श्री राम की बात होती है, आजमगढ़ की बात हो जाती है, क्यों? देखिए ये तो जो जिन लोगों को जनता ने 2012 में और 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके भेजा था, तो उन लोगों ने ये सब कवायद शुरू की थी। उनको काम करने से कोई मतलब तो था नहीं, वो केवल मुद्दों से भटकाने का काम करते। मुद्दों से कौन भटका रहा है? समाजवादी पार्टी वाले, मैं पूछ लेता हूं, इसमें आपका क्या फायदा है मुद्दों से अगर चुनाव को भटका दीजिएगा? हम तो मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई इस देश में चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, सुरक्षा खतरे में है और लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। मंत्री जी के बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ा रहे हैं, किसान परेशान है, आत्महत्याएं कर रहा है, तो हमारे मुद्दे तो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हम उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जन सरोकार के मुद्दों पर कांग्रेस किन मुद्दों के साथ है चुनाव में? देखिए कांग्रेस का मुद्दा मेन मुद्दा है विकास का मुद्दा है, नौजवान का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, अपराध का मुद्दा है। जो आज जो है नौजवान पूरी तरह से जो है पढ़ लिख करके शिक्षित होकर के वो बेकार है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आज अगर शिक्षा की व्यवस्था होती तो ना ये आजमगढ़ दिखलाते हैं, ना ये आजम खां को दिखलाते हैं, ना ये बम्बई दिखलाते हैं, ना ये दिल्ली दिखलाते हैं। विकास से पूरी तरह से जो है ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुंह मोड़ चुकी है। अच्छा, मतलब विकास नहीं हुआ इसलिए बाकी मुद्दों की बात हो रही है? बिल्कुल विकास नहीं, विकास अगर होता, विकास तो नौजवानों का विकास है, महिलाओं का विकास है। आपकी ये बात जनता सुन रही है, कुछ सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में? निश्चित रूप से जो है जो माइंडेड हमें अगर जनता देगी निश्चित रूप से आएगी। इतनी आएंगी? अब ये तो मैं आंकड़ा ही बता सकता हूँ, लेकिन निश्चित जरूर आएगी। चलिए ठीक है, अच्छा कि आपने, आप संख्या नहीं बता रहे हैं। बीएसपी किन मुद्दों के साथ है चुनाव में? बहुजन समाज पार्टी भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था के हिसाब से अपनी लड़ाई सामाजिक तौर पर राजनीतिक तौर पर लड़ती है। 2007 से लेकर के 12 की सरकार हमने देखा है, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में जो आज लाइन ऑर्डर के लिए लोग दुहाई देते हैं, लाइन ऑर्डर की क्या स्थिति थी आप भी जानते हैं, हमारी जनता भी जानती है, बहुत ही बेहतर स्थिति थी, सबसे कम क्राइम होता था, तो वो बहन मायावती जी का शासन था। तो सरकार क्यों चली गई? सरकार आती जाती रहती है। नहीं नहीं, अब इतना अच्छा काम आपने किया तो क्यों चली जाएगी सरकार? काम है अच्छा। हाँ। अच्छा, जो लोग आज आए हैं वो 14 वर्ष का कहते थे हम बनवास काट के आए, तो उनसे क्यों नहीं आपने पूछा? बिल्कुल पूछूंगा, लेकिन आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, इतना कुछ काम हुआ बीएसपी के जमाने में, तो आप फिर सत्ता से चले क्यों गए? बातें नहीं की। हाँ। हमने उस कर को दिखाया है, करके दिखाया हमने जी, चाहे नोएडा से लेकर के उत्तर प्रदेश की धरती कहीं भी आप देख लीजिए। ठीक है, हमने करके दिखाया। चलिए अब मैं पब्लिक के बीच आ रहा हूँ और इधर से शुरू कर रहा हूँ, फटाफट बोलिए किसे क्या कहना है, शुरू हो जाइए यहाँ से। सबसे पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पे किसान के मुद्दा पे बात हो रही है, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में इनके मैनिफेस्टो में किसानों के लिए क्षेत्रीय स्तर पे कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करने की बात कही थी। अच्छा। और
अभी तक मेरे गोरखपुर जिले में एक भी कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, अगर कहीं न्यू पड़ी हो तो उसके बारे में जरा बताएं। ठीक है, मैं सवाल लेता हूं, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। विकास की बात कर रहे हैं, विकास की समय पूरे उत्तर प्रदेश में गंगा बह रही है। कोल्ड स्टोरेज वाली बात बता दीजिए। कोल्ड 2014 के मैनोफेस्टो में, इनके मैनोफेस्टो में, घोषणा पत्र में था विकास की गंगा बह रही है। गंगा में स्टोरेज कहाँ है? कोल्ड स्टोरेज बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। यहाँ सबका साथ सबके विकास वाली सरकार है। आप देखिए, घर घर में उज्ज्वला गैस योजना, सबको मुफ्त में आवास, मुफ्त में राशन, किसानों के खातों में पैसा, ये सारी चीजें जा रही हैं। और आप पिछली सरकार में, पिछले सरकार में गड्ढों की सरकार थी। वोट के लिए अगर पैसा होता, 6,000 रुपया सालाना जो मिल रहा है, आप किसान है, आपको मुद्दा ही नहीं मालूम है किसानों का? क्या पूछा हूँ, इनके 2014 लोकसभा के घोषणा पत्र को देखिए। इनकी डबल इंजन की सरकार ने अभी तक बस सांड पैदा किया है, और कोई विकास नहीं पैदा, सिर्फ सांड पैदा किया है, सिर्फ सांड पैदा किया आप लोगों ने। अब आर्थिक रूप से तो दृढ़ हुआ है और किसान की आय दुगुनी हुई है। ठीक है, आप बोलिए क्या कहना है, खड़े हो जाइए, बोलिए। मैं ये भारतीय जनता पार्टी के उससे पूछना चाहता हूँ, ये बताइए, आपके लोग कहते हैं कि सवर्ण का वोट हमको नहीं चाहिए, कौन बोलता है? कौन बोलता है सवर्ण क्यों आप वोट करें? किसने बोला है किसने बोला ये? क्यों आप भारतीय प्रवक्ता ने नहीं कहा? भारतीय जनता पार्टी की कौन बोला? जब सवर्ण नेता ये कैसे बोल सकता है वोट नहीं चाहिए? अब ये लोग हरिहर दुबे जी ने कहा केंद्र मंत्री में रखते हैं, सवर्ण का बयान नहीं बोला जा रहा है। देखिए, हमारा मेन मुद्दा आरक्षण और SC ST एक्ट है। मैं ये चाहता हूँ सवर्णों के सम्मान में नोटा है मैदान में, अब की बार नोटा सरकार। तो उसमें कैसे कोई चुनेगा? नोटा में तो वोट जाने का मतलब कोई आएगा ही नहीं। पार्टियाँ करप्टेड हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस दृष्टिकोण से मतलब नन ऑफ द अबव, कोई नहीं। हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है, वो बात करती है लॉ एंड ऑर्डर की, और यही अंकुर शुक्ला की हत्याकांड हो जाता है, और उसको किस पार्टी का समर्थन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं किस पार्टी का समर्थन है? हमारा कहना है, आप विकास की बात करते हैं, हम व्यक्ति के मानसिक विकास की बात करते हैं। व्यक्ति के मानसिक विकास न होने के कारण हमारा जो है कि न मोदी न राहुल अखिलेश न माया नहीं मिलेगी किसी से छत्र छाया। सवर्णों जागो, होश में आओ, अपना अस्तित्व बचाओ, अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। तो वो कैसे होगा? किसी को वोट ही नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा? ना ना, 50 करोड़। मैं भी सवर्ण हूँ और व्यापारी हूँ, और 50 लोग को रोजगार दिया हुआ इस गोरखपुर शहर में। मेरा सवाल सारी राजनीतिक पार्टियों से है। अखिलेश आनंद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस मंच पर एक युवा को मौका दिया। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से बिलोंग नहीं करता हूं। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय, जो कि आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहा जाता है, यहाँ लगभग आसपास के लगभग 25 जनपदों के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, और सस्ती शिक्षा के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय विख्यात था। यहाँ एक कुलपति आए हैं जिनके तानाशाहपूर्ण रवैये के नाते यहाँ का एक प्रोफेसर सत्याग्रह आंदोलन पर बैठा हुआ है। कौन है? खुल के बोलिए क्या कहना चाहते हैं, छोटे में बोलिए। ये चाहते हैं किसी राजनीतिक पार्टी के नेता और प्रत्याशियों ने जाकर उस विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और बुराइयों की सुध नहीं ली। कौन है कुलपति? कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह है। प्रोफेसर राजेश सिंह ने विश्वविद्यालय को एकदम खंडहर बना। मैं जवाब लेता हूं, देखिए आप लोग की तो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, क्यों कर रहे हैं ऐसा कुलपति? देखिए भाई साहब, विकास का मतलब क्या है? जैसे देखिए, जब 2017 में भारतीय, आप कुलपति वाला जवाब दीजिए पहले। देखिए कुलपति एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उसको संज्ञान में लिया गया है, और उनके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन चूंकि आज यहाँ पे जनता जुड़ी है और जनता मुद्दों के आधार पे यहाँ पे आई है, वो जानना चाहती है कि क्या हो रहा है, कैसे सरकार बनेगी और क्या किन किन मुद्दों के ऊपर हम लोग काम करेंगे। आपने देखा होगा कि जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और 2017 के पहले आप यहीं पे आए हुए थे और यहीं पे आप कार्यक्रम भी कर रहे थे, उस समय इसी शहर में बिजली की क्या स्थिति थी? केवल 7-8-10 घंटे बिजली आती थी कभी। बिजली की अभी क्या स्थिति है? बिजली की अभी क्या स्थिति है बताइए, बोलिए बिजली क्या स्थिति है, बोलिए। हमारा समाजवादी पार्टी से सवाल है। पहले बिजली पे क्या स्थिति है, बिजली की बोलिए, बिजली पे 24 घंटे आती है।
24 घंटे बिजली मिलेगी सर, 24 घंटे बाद। हमारा सवाल समाजवादी पार्टी से है, समाजवादी पार्टी को मुसलमान 70% मुसलमान और समाजवादी पार्टी को देते हैं। जहां भागीदारी की बात होती है, समाजवादी पार्टी एक उप मुख्यमंत्री नहीं बना सकती है। अच्छा, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। देखिए, फंस गए आप, ये कह रहे हैं इधर आइए, कहां गए, इधर आइए, आइए आइए, शायद नेताजी सवाल ना सुन पाए, इधर आइए, आइए भाग के आइए, भाग के, समय नहीं है, भाग के आइए, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी को मुसलमान 70% वोट देती है, जहाँ भागीदारी की बात आती है, एक मुख्यमंत्री भी ये लोग नहीं दे सकते हैं। मुसलमान भागीदारी की बात आती है तो क्यों पीछे छोड़ देते हैं, वोट तो ले लेते हैं। इसी भागीदारी के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम 3 महीने के भीतर सरकार में आने के बाद जातीय जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी संख्या रहेगी उसके हिसाब से हम भागीदारी देने का काम करेंगे। मतलब एक डिप्टी सीएम मिल सकता है, एक डिप्टी सीएम मिल सकता है। डिप्टी सीएम नहीं, जो संख्या है उस हिसाब से भागीदारी होगी। अच्छा जी, तो संख्या उस मतलब इसको आपने टाल दिया, मतलब कोई पद नहीं होता, डिप्टी सीएम एक ऐसा कहा हुआ पद है जो सही बात है, संविधान में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी बनाया जाता है भागीदारी के लिहाज से। केवल वो लॉलीपॉप बीजेपी के लोग ही दे सकते हैं, हम लोग नहीं दे सकते। चलिए ठीक है, आगे बोलिए बोलिए, हो गया, अरे आपकी बात हो गई भाई, और बोलिए, हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो प्रशासन के मामले में बात कर, छोटे छोटे में फटाफट बोलिए। प्रशासन के मामले में जब बात करते हैं तो मनीष गुप्ता की यहीं पे हत्या हो जाती है, कि एक कानपुर से व्यापारी आता घूमने, गोरखपुर को विकास देखिए, मतलब लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं, आप ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं, अब महिलाएं कोई बात। मेरा सवाल है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि दो कानून व्यवस्था ये लोग बहन मायावती जैसे क्यों नहीं दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, बोलिए। एक शारीरिक शब्द कहना चाहूंगा, कभी चिलवन में वो झाके, कभी चिलमन में वो झाके, लगा दो आग और सपा भाजपा को, न वो झाके न हो झाके। आप तो आग लगाने की बात करने लगे महाराज, वोट डालने की बारी है ना। हाँ। सर वोट डाल करते करिए, अब लोकतंत्र में आग कहाँ लगाएंगे। जी भाजपा की सर, भाजपा की सरकार है, यही गोरखपुर के लोग बैठे हुए हैं, यहीं पर बड़े बड़े पेपरों में यही गोरखपुर स्मार्ट सिटी और मेट्रो छपी थी, आज तक मेट्रो का एक पिलर नहीं दिखा और ना ही कहीं गोरखपुर जनपद में स्मार्ट सिटी दिखा। चलिए ठीक है, मैं लेता हूँ, एक बच्चे के साथ आप आए हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं विकास तो हुआ है गोरखपुर में, ऐसी बात नहीं है, बिजली मिल रही है प्रॉपर। अच्छा, पहले इतनी बिजली नहीं मिलती थी। कानून व्यवस्था नहीं ठीक है, कानून व्यवस्था बोलिए। विकास की बात जरा बरसात में आकर देख लीजिएगा, जिस इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय के सामने पानी लगती है और सड़क पे इस बरसात में तो नाव चलती हुई हमने देखा। कहाँ पे नाव देख ली आपने? अरे सड़क के किनारे, गोरखपुर में, गोरखपुर के सड़कों के किनारे, रानी दिया चौराहे के आसपास। और दूसरी बात बोलिए, कुछ कहना मैडम, कुछ बोलना है। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, महिलाओं की सुरक्षा कैसी है? अभी तो अभी बहुत। बोलिए, खड़े हो जाइए, खड़े होकर बोलिए। सुरक्षा है तब हम लोग यहाँ बैठे हैं, नहीं सुरक्षा रहते तो हम लोग नहीं बैठते। सर सेना की भर्ती 2 साल से नहीं हो रही है, युवाओं को बार बार बहकाया जा रहा है कि चुनाव बात कराया जाएगा, चुनाव बात लीजिए। सेना में भर्ती नहीं हो रही, लोगों को यहाँ नौकरी नहीं मिली, खड़े हो जाइए। हाँ, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ इन लोगों से। जल्दी जल्दी प्रश्न ये है कि बिजली 5 साल इनकी सरकार रही कांग्रेस का, कांग्रेस की कब रही सरकार, आपने तो नहीं देखा हुआ, आपने कांग्रेस की केंद्र में रहा है, मैंने यूपी की बात कर रहे हैं, आप केंद्र की बात कर रहे हैं, अखिलेश यूपी में आपने नहीं देखा होगा। हाँ यादव रहे हैं, हाँ। एसपी एसपी हैं, हाँ। तो प्रश्न ये है कि हम लोग कुशीनगर में रहते थे, हाँ। तो बिजली पर्याप्त नहीं मिलता था और अभी पर्याप्त क्यों बिजली मिल रहा है? अच्छा, बिजली अब मिल रही है ये कह रहे हैं आप, ठीक है। आप लोग क्या कहना चाह रही हैं, खड़े हो जाइए मैडम, बोलिए क्या बोलना चाह रही हैं, बोलिए। महिलाओं की क्या स्थिति है सरकार में? महिलाओं की सुरक्षा है पूरा, हाँ। रोजगार मिला है, काम धंधा मिला है महिलाओं को भी? नहीं रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन हाँ। हमारा देश सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, चलिए मतलब देश महिला सुरक्षित है, हाँ। भाजपा में महिला सुरक्षित है, सुरक्षित है, हाँ। बोलिए क्या कहना चाह रही है, बोलिए। हाँ। जी आज की पूर्व सरकार में महिलाएं बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है, भाजपा की सरकार में। बस हमारा 3 मुद्दा है, कोई भी सरकार किसी किया है, हाँ। बस हमें शिक्षा मिले, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमें नहीं मिला रोजगार चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बच्चों को रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है सरकार ने? नहीं, हाँ कर रही है, एम्पावर किया गया है महिलाओं को, किया जा रहा है, हाँ। और हम सब बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी हम लोग सुरक्षित महसूस करें तभी बैठे हुए हैं,
शपथ करवाई थी उन्होंने। पहले मैं ये बोलना चाहूंगी मिस्टर यादव जी से कि जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भाजपा में हम लोग निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं यहाँ पे आप लोग के बीच में, तो ये सपा सरकार आने के बाद अगर ये लोग जैसा बोल रहे हैं या अगर आती है या ये लोग प्रयास करेंगे तो महिलाओं के किन किन मुद्दों को ये लोग अभी प्रस्तुत करें और बताएं। मैं समझ गया आपका सवाल। देखिए कुल मिलाकर एक जो बड़ी बात है आपसे, ये समाजवादी पार्टी के नेता से सवाल है, कानून व्यवस्था को लेकर आपकी सरकार में महिलाएं सशंकित रहती हैं, यहाँ बैठी महिलाएं कह रही हैं। मैं अपने बहन से सहमत हूँ, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में ही 1090 आपके लिए सुरक्षा चलाई गई थी, और साथ ही साथ एक एम्बुलेंस 102 नंबर की महिलाओं के लिए चलाई गई थी कि जो सद्य प्रसूता हो या प्रसूति अवकाश पर जाने वाली हो तो ऐसी महिलाओं को वो बच्चे को पैदा करने के बाद भी घर तक ले जा करके छोड़ने की बात होती थी। लेकिन आपको क्या दिक्कत, क्या कह रही है बोलिए। हाँ, प्रेजेंट टाइम में ये क्या करना चाह रहे हैं और क्या सोच के रखे हैं महिलाओं को सार्वजनिक तौर पे बताएं। बोलिए क्या कह रहे हैं। सपा, बोलिए बोलिए। सपा के सरकार में ही महिलाओं की जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं उसी में कहा जाता था कि ये बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। ये सपा की सरकार की बात है कि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। हाँ, लेकिन ये भाजपा सरकार में हम महिलाओं को जो सुविधा मिली है, हमारे घर की लिए बेटी बहुओं को जो सुविधा मिली है, तो इस हाथरस कांड सपा के नेता हमारी महिलाओं और बहनों के अंडर बनियान के रंग बताया करते थे। सर यहाँ भाजपा हर सही है, यहाँ पे हर चीज सही है, विकास भी सर बनाया जाता है। सर सवर्णों पे जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जारी किया गया उसमें एज के लिए रियायत कब मिलेगा? ये ऐसा सर ऐसा 10 आरक्षण आरक्षण में एज के लिए रियायत कब मिलेगा? अत्याधुनिक युग में अगर जो विकास करवाना है तो लेबरों से काम नहीं चलेगा, साथ साथ बुलडोजर वाली सरकार चाहिए। सर गोरखपुर का तो विकास हुआ है लेकिन सर रोजगार के मुद्दे पे कभी भी पूछा जाता है भाजपा सरकार रोजगार के मुद्दे पे। क्या ये आप लोग कुछ लड़कियां भी है क्या कह रहे हैं, हटिए साइड हटिए, क्या बोलना चाह रही है? देखिए लड़कियों को सुरक्षा मिली है लेकिन रोजगार का भी मुद्दा है जो हमारे भाजपा सरकार बताए हम लोग को भी। बोलिए। देखिए बीजेपी के नेता से ही सवाल है, मैं आता हूँ बीजेपी के नेता से सवाल है, पीछे एक लड़की खड़ी कुछ कहना चाहती है मैडम, एक लड़की वहां पीछे खड़ी है वो कह रही है कि हाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हुई है आपकी सरकार में लेकिन रोजगार आपको देना है, अभी जो वादा रोजगार का था वो नहीं हुआ। देखिए 2017 के पहले और 2017 और 22 के बीच के गोरखपुर और उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर आप देखेंगे तो आप निश्चित रूप से बदला हुआ दिखेगा। आप नौकरी पे आइए ना, वहाँ पे वो लड़की कह रही है सुरक्षा मिली है, वो मान रही है इस बात को लेकिन नौकरी जितनी देनी चाहिए थी सरकार को नहीं दे पाए आप लोग। इसके पहले जो भी सरकारें नौकरियां देती थी उसमें पारदर्शिता नहीं थी, आपने देखा कि कितने शिक्षकों की भर्ती की गई, कितने जो है एम्पावरमेंट के आमने सामने बात करवा देता हूँ, नौकरियां मिली है लड़कियों को, रोजगार की ही समस्या है लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा। सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती है लेकिन सरकार ने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है जिसमें आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर कॉन्क्लेव हुआ था और उसमें हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियां लगने जा रही हैं। अच्छा। आप देखिए गोरखपुर के जो गीडा, मतलब उसके लिए और समय चाहिए आपको, ठीक है। देखिए अगर कांग्रेस को जनता ने 70 साल दिया और 70 साल में कांग्रेस ने देश को लूट लिया, समाजवादी पार्टी ने केवल अपने परिवार के लिए काम किया, केवल अपने सफे के लिए काम किया, हो गया। क्या कहना चाह रही बोलिए। देखिए युवाएं ही बनाए हैं भाजपा को, तो सबसे पहले युवाओं के बारे में ही सोचना चाहिए, आज युवाएं ही परेशान है सबसे ज्यादा रोजगार के लिए, ध्यान रखिएगा इस बात का आप। बोलिए। हाँ आ रहा हूँ बोलिए। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था अपने गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय, गोरखपुर मेट्रो बना देंगे, जो व्यक्ति अपने परिवार को खुशहाल नहीं कर सकता, अपने परिवार को नहीं बना सकता, वो प्रदेश को क्या खुशहाल बनाएगा? पूर्ण रूप से एक बात सुनिए, ये गोरखपुर की बात, गोरखपुर सीएम सिटी कहा जाता है, ठीक है, गोरखपुर हम सीएम सिटी रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात बताइए, जिस पुलिस को हमको देख के मतलब सुरक्षित महसूस करना चाहिए वही पुलिस क्या बोलते कृष्णा पैलेस में किसी व्यापारी को हत्या कर देती है, ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? आप एक बात बताइए। और एक बार रुके पूरी बात सुनिए, पुलिस के उसे पुलिस जिला अधिकारी उस पर समझौता कराते हैं, बैठ के वीडियो वायरल होता है, सभी ने देखा है। कौन सा जिला अधिकारी? हमारे यही गोरखपुर के जिला अधिकारी, यही गोरखपुर। मैं ये कहना चाहता हूँ मेजर सिंह भैया सब मिला, पहले हम आपको हमारे शहर में हम आपका स्वागत करते हैं और पहली बार
जो नौकरी की बात हो रही है, 1 लाख से ऊपर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। दूसरा बात भैया रुकिए, बोलने दीजिए हमको भी। दूसरी बात, नहीं 1 लाख से ऊपर पुलिस की वैकेंसी, और 2 साल बीच में कोरोना आया, कोरोना के वजह से सब कुछ मैं मानता हूँ रुका रहा, लेकिन आने 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 नकल हो गया, नकल हो गया। सही है, 800 किलोमीटर से लोग पैदल आए, मैं बता रहा हूँ, पेपर लीक हुआ, ये लोग बोल रहे कोविड में। एक बात बताइए, एक जो प्राइवेटाइजेशन हो के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है सरकार, की सारी सरकारी संस्थाएं खत्म करके, और रोजगार पे कोई बात नहीं, बस एक बात नहीं, सिर्फ एक बात, धर्म धर्म, हम लोग हिंदू हैं, धर्म है। ये कह रहे हैं, सुनिए, मैं आप लोग के पास आता हूँ। वो कह रहे हैं कि आप धर्म को क्यों ले आते हैं राजनीति में, धर्म क्यों ले आते हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाएं बैठी हुई हैं, और किस प्रकार से उन्होंने सरकार के बारे में बताया जो सही है, लेकिन किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो किस प्रकार से लोगों की बात को दबाने का काम कर रहे हैं, और किस तरीके से वो लोगों की बात सुनने का भी काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी है, आप देखिए, इसी शहर में पहले एक यूनिवर्सिटी था, आज 4-4 यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी वाली बात तो मान रहे हैं, कह रहे हैं कि धर्म को क्यों ले आते हैं राजनीति में? धर्म नहीं है, देखिए हम विकास की बात करते हैं, यहाँ पे एम्स खुला है, क्या उसमें रोजगार नहीं मिलेगा क्या? फर्टिलाइजर का कारखाना जो है इतने सालों से बंद था, कांग्रेस के समय में बंद था, यूपीए सरकार में सपा और बसपा ने उनको समर्थन दिया था, क्या वो चीनी मिले वो फर्टिलाइजर नहीं चलवा सकते थे? चीनी मिले बंद थी, आज हमारी सरकार इतनी चीजें खुली है, क्या उसमें लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं दिखता आप लोगों को? देखिए रोजगार की जहाँ तक मामला है, जहाँ तक बात है, पूरी तरह से रोजगार ठप है। रोजगार के नाम पर तमाम वैकेंसियां निकालते हैं, और वैकेंसियां निकालने के बाद जो जब बच्चे एग्जाम देने की तैयारी कर लेते हैं, तो क्या पता चलता है कि किसी कारण जो है ये टल गया, ये खत्म हो गया। इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब से ये सरकार में तब से होता चला आ रहा है। बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे आप लोग, बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी बात हो गई, जिसकी बात रह गई ये बोलिए। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, शिक्षा और रोजगार के मामले में फेल है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूपीपी और टीएटी जैसे पेपरों का लीक होना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। हम लोग शिक्षा और रोजगार पे बात करते हैं, और ये लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। सर, भाजपा सरकार में सब सही है, लेकिन सर जहाँ तक यूनिवर्सिटी की सर बात है, सर यूनिवर्सिटी में सर मतलब पढ़ाया नहीं जाता है ना, क्लास पूरी कंप्लीट होती है सर, कहीं ना कहीं सर यूनिवर्सिटी में पीछे है। अब गोरखपुर यूनिवर्सिटी में व्यवस्था ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं आप? 2 महीने भैया, ये लोग समाजवादी पार्टी के नेता से मैं पूछना चाहता हूँ, ये महिलाओं की बात करते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि बच्चे हैं गलतियां हो जाती हैं, तब ये समाजवादी पार्टी के लोग कुछ क्यों नहीं बोलते उस पर? बोलिए, पहले सारी पार्टी का मुझे बोलने दिए, पहले मुख्यमंत्री के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विकास की बात से शुरुआत किए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि 4 साल का मुख्यमंत्री, पीछे पीछे चलिए, पीछे चलिए, मैं आ रहा हूँ सबके पास आ रहा हूँ, पहले, अरे नारा क्यों लगा रहे हो भाई, अपनी बात रखो, नारा मत लगाओ। पहले की पार्टियों का था सोच बेईमान काम दगदा, और अब क्या है सोच, काम ठीक है, हो गया। बोलिए, हम माइक, आप माइक सुने, माइक पर छीनिए। लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, एम्स बना है, फर्टिलाइजर बना है, बीजेपी से हम पूछना चाहते हैं, मशीनें काम कर रही हैं कि युवाओं के लिए क्या किया है? नौकरी ना भर्ती, कुछ नहीं निकाल रहे इस समय हम लोग, और इलाहाबाद, आपकी बात हो गई, कितनी बार हमेशा मोदी जी को 5 साल जब तक कहेंगे, और योगी जी को राशन दूंगा, मुझे राशन नहीं चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, राशन मिलेगा। 160 सवाल में 158 सवाल कोई कैसे कर सकता है? ये कैसी पारदर्शिता है सर, बता दीजिए। राशन नहीं, हमको रोजगार चाहिए। सर एक बात बताइए, एक मिनट को, आप लोग हिंदुत्व की, ये लोग बीजेपी वाले लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, अरे यार रुकोगे भैया, बीजेपी लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, आप बताइए किस हिंदुत्व में ये लिखा हुआ है कि रात 2 बजे किसी महिला की जिसकी हत्या रेप कर दी जाती है, उसको रात पेट्रोल डाल के उसको जला दिया जाता है? अगर आप कहते हैं डबल जेट की इंजन है, किसान बिल पास होता है, अगर खराब तो वापस क्यों होता है? ठीक है, अच्छा मैं अगर गोरखपुर की बात करूँ, गोरखपुर बदला या नहीं बदला ये बताइए,
गोरखपुर में काम धंधा हुआ कि नहीं, बदला कि नहीं बदला? पीछे नीचे नीचे चलिए, मैं आ रहा हूँ, आप नीचे चलिए, नीचे चलिए, नीचे चलिए, मैं आ रहा हूँ। ये लोग खाली नारा लगा रहे हैं, नारा गली में लगाइए, वोट मांगने के लिए लगाइए, डिबेट में नारा नहीं लगा। बोलिए अपनी बात, डिबेट में नारा नहीं। आप लोग आगे साथिए, मुझे पीछे जाना है। चलिए चलिए आगे साथिए, आगे से हो गया, आपकी बात हो गई। एक मिनट हुआ है, पुरानी सड़कें वही है, अंदर जाइए वही नाली है। ए, ए, अपना कैमरे के सामने साटिए, नहीं तो कोई नहीं दिखेगा। हटिए, कैमरे के सामने साटिए। केवल मंदिर का रास्ता सही किए, यही गुंडे ही गुंडे। देखिए महिलाएं बैठी, महिलाएं नहीं है, सारी महिलाएं। जिसने अपनी बात नहीं रखी वो बोलेगा। बोलिए सर, नौकरी चाहिए। सर भाजपा वाले कहते हैं हमको मुद्दा लेकर चल रहे हैं, अगर ये विकास के मुद्दा लेकर चलते तो क्यों बुलडोजर पे लड़ रहे हैं चुनाव? अब बुलडोजर अपने पे चलवाना चाहिए। आप आगे सटी, आगे सटी, अरे कैमरे के सामने सटी। अरे बोलिए बोलिए बोलिए, आप भी तो सुनिए। गोरखपुर में निसंदेह बहुत ही विकास हुआ, उसमें कोई दौरा नहीं है। आज एम्स है, फर्टिलाइजर्स है, सड़कें हैं, ऐसे कभी भविष्य में थी ही नहीं। जो भी लोग गोरखपुर के निवासी, निसंदेह योगी आदित्यनाथ इस कर, लेकिन हम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन भी बहाल करें। हम जो बुढ़ापे की लाठी है, हमारी पेंशन भी बहाल हो गया। जो सड़क खुलाए हम उनको पर्दे पर हम आएंगे। बोलने दीजिए, सभी को बोलने दीजिए। देखिए देखिए, बस नौकरी लाइए, बीजेपी सरकार नौकरी बात टालती है और कुछ नहीं। चलिए आइए, हटिए हटिए, काम हो चुके हैं, बस थोड़ा कुछ और काम करना है, एक बार और आना चाहिए। सर विकास के मुद्दे में सर मैं बहुत मतलब बढ़िया। हम पूछना चाहेंगे कि जिनको राम मंदिर बनने से दिक्कत है, उनको हज हाउस बनने से दिक्कत नहीं था? दिक्कत हुआ था। अच्छा, ठीक है, आइए चलिए बोलिए। रोजगार चाहिए, आइए पीछे किसी को बोलना है तो बोलिए। रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। अगर 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 मंदिर बनाने से विकास हो जाता हो तो हर चौराहे मंदिर में बनवा देंगे, हम लोग मिलकर बनवा देंगे। हमको रोजगार मिलेगा तो हम बनवा देंगे। देखिए हमें मंदिर में, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। एक से 134 से ज्यादा किसमें दंगे होते हैं। बुलडोजर वाले बाबा, लड़कियों के रोजगार चाहिए, लगे इनका भविष्य खराब हो जाती है। अरे बोलने दो यार, लड़कन के रोजगार चाहिए, लड़के बेकार घूम जाते हैं, सब उम्र खत्म हो गए, अब कहिया मिली साड़ वाले बाबा को। नीचे आओ, नीचे आओ, मन से नीचे उतरिए, मन से नीचे उतरिए, मन से नीचे उतरिए। चलिए, हाँ बोलिए। युवाओं के लिए ना नौकरी है, ना कुछ है, ना भर्तियां करा रहे हैं। आर्मी की भर्ती 2 साल से नहीं कराई जा रही है, और युवाओं के लिए कहते हैं कि कोरोना है, कोरोना है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब भीड़ लग रही है यहाँ पे कोरोना नहीं आ रहा, लेकिन भर्तियों के लिए कोरोना बोल रहे हैं। 12वीं पास करने के बाद इंटर में जाने पे लैपटॉप चाहिए। अगर किसान मिल सही तो क्यों वापस चाहिए? अगर किसान मिल सही तो क्यों वापस चाहिए? बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता से हमारा वो किसान का जो कोल्ड स्टोरेज की बात है, वो हमें प्रमाण के साथ चाहिए। बताइए, जवाब दीजिए। एक रिकॉर्डिंग कर लिया है, केवल एक ही चीज जवाब दे दीजिए, रिकॉर्डिंग खत्म कर दीजिए। आप जवाब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, आपने देखा किसानों के कर्ज को माफ करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, किसान सम्मान निधि के नाम पर के किसानों को खाते में 6,000 देने का काम किया। आपने देखा अभी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि जो भी गाँव में जो किसानों के लिए जो पंप सेट दिए जाएंगे उसकी बिजली का बिल माफ किया जाएगा। तो तमाम किसानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लगातार काम कर रही है। किसानों के लिए इतना काम हो गया, देखिए धारा प्रवाह गिनवाए जा रहे हैं। किसानों की आय दुगनी करने के लिए इन्होंने कहा था 2022 में किसानों की आय दुगनी होनी थी। ये देखिए कि 2014 के पहले किसानों की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। आज उन्नत खेती के लिए विभिन्न प्रकार के जो योजनाएं ला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को सम्मान को बढ़ाने का काम कर रही है। आप लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं 2022 वाला। हाँ देखिए, गोरखपुर का हर छोटा तबका का व्यापारी आज रोड पे आ गया, उसके पास बेबी बच्चों के खाने के लिए सामान नहीं मिल रहा है, वो अपना व्यापार बंद कर चुका है, चौपट हो चुका है, और कहते हैं हम योगी जी जो है रोजगार देंगे। कौन सा रोजगार दोगे? ये जुमलों की सरकार है। सरकार में अगर कोई रोजगार देने वाला है तो उत्तर प्रदेश में बहन मायावती का शासन है, जो बहन मायावती कहती है वही करती है। देखिए हमारे 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 भाई ने कहा कि विकास की गंगा बह रही है, मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जितना भी विकास ये बता रही है गंगा में बह गया है, कोई विकास नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि विकास ही गंगा में बह गया। दूसरी बात,
हम आम आवाम पूरी देश की जनता है, पूरी देश की जनता जो है हमारे प्रधानमंत्री जी की बात को सुनती है, मन से सुनती है, क्योंकि वो मन की बात करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि इस देश की जनता की मन की बात का वो जानेंगे, इसको बतावे वो। ठीक है, अब आप लोगों को सवाल अगर पूछना है तो सवाल पूछिए। अब आप अपनी बात हो गई, नेताओं को अपनी बात कहने दीजिए। अब सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। सवाल है, हमारा सवाल ये है कि मैंने 12 पास कर लिया, इंटर एडमिशन कहाँ करवाए? समाजवादी पार्टी विजय। जनता की मन की बात कब सुनेंगे? राज सरकार, देश में 50 करोड़ जनता, 131 लोकसभा, 1225 विधानसभाओं में चलती है, जो आरक्षित है, वहां की जनता को, लोक सवर्ण जनता को, ओबीसी जनता को लोकतांत्रिक अधिकार कब मिलेंगे? ठीक है, बीजेपी से सवाल है, बीजेपी मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करती है? शहनवाज हुसैन को एक टिकट बीजेपी वाले नहीं दे पाए, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, और मुसलमान को कितने टिकट दिए वो बता दें। आप किनकी बात कर रहे हैं? शहनवाज हुसैन तो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनकी बात कर रहे हैं? नहीं, शहनवाज हुसैन जो प्रवक्ता थे, शहनवाज हुसैन बिहार बिहार में वाले तो मंत्री हैं भाई। नहीं तो वो उत्तर प्रदेश में भी सीट मांग रहे थे, उनको नहीं दिया। आप थोड़ा गड़बड़ हो गए हैं, कुछ और बोल रहे हैं। ये पिछले चुनाव में महंगाई की बात कर रहे थे, जरा इन सत्ताधारी दल से कहिए, प्रवक्ताओं से, कि वो जरा महंगाई पे भी बात कर लें इस बार, बेरोजगारी और जो ऑक्सीजन। जवाब लेता हूँ, बहुत हुई महंगाई की मार, आपका नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, क्या हो गया? आपको पता है कि किस प्रकार से कोरोना की महामारी भारतवर्ष में आई थी, और किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किस प्रकार से कोरोना को कंट्रोल किया। अच्छा। और पूरे विश्व में आप देखे होंगे कि वैश्विक जो अर्थव्यवस्था में सभी देशों में थोड़ी मोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन मतलब महंगाई अंतर्राष्ट्रीय वजह बता रहे हैं आप, लेकिन भारत एक ऐसा देश है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कोरोना जैसी महामारी आने के बाद भी हम जो हमारी जो महंगाई है उस पर हमने कंट्रोल करने का काम किया है। लेकिन वो नहीं मान रहे इस बात को। मैं रजनीश कुमार हूँ, मैं मतदाता जागरूकता अभियान पे बहुत सारे स्लोगन मैं पिछले 10 साल। अच्छा, आप ही ने वो बैनर वहाँ लगा रखा था, क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये मतदाता जागरूकता अभियान में लोग ज्यादा से ज्यादा अपना मताधिकार का प्रयोग करें, इसी के लिए हमने बहुत अच्छा। कोई लाइन बताना चाहेंगे? मैं बता रहा हूँ, मोबाइल का बटन दबाने से, मोबाइल का बटन दबाने से मन की बात जानकार तक पहुंचती है, और ईवीएम का बटन दबाने से क्षेत्र की बात सरकार तक पहुंचती है। बहुत अच्छी बात आपने कही है, और मैं भी सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा, एक मिनट, जो लोग भी कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम देख रहे हैं, 5 चरण का मतदान हो चुका उत्तर प्रदेश में, अगर आपके इलाके में मतदान होने वाला है जरूर जाइए पोलिंग बूथ तक, मतदान जरूर कीजिए, यह बहुत जरूरी है अच्छी सरकार चुनने के लिए। फिलहाल गोरखपुर से कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में इतना ही, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहां आने के लिए, थैंक यू आप सभी लोगों का धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।